नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ में। इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर सऊदी अरब ने तमाचा मार दिया है, जिसे देखते हुए वहां के मूल निवासियों ने भी इमरान खान पर जमकर जूते बरसाए हैं। चलिए हम आपको पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बता दूँ, इमरान की वजह से मुश्किल में आवाम, सऊदी अरब के इस फैसले ने पाकिस्तानियों को टेंशन में डाला और फैसला कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आखिरकार इमरान खान के ऊपर वहां की आवाम ने जूते चप्पलें क्यों बरसाई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बता दूं आपको, वैक्सीन को लेकर इमरान खान का आंख मूंद कर चीन पर भरोसा करना पाकिस्तान के लोगों को बड़ा भारी पड़ रहा है। और चीनी वैक्सीन लगवाने के बाद भी पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में एंट्री की इजाज़त नहीं है। दरअसल पाकिस्तान उन 9 देशों में शामिल है जहां के लोगों को उमरा तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी अरब में एंट्री से रोक लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोगों को उमरा यात्रा के लिए सऊदी अरब की यात्रा की मंजूरी नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोगों को उमरा यात्रा के लिए सऊदी अरब की यात्रा की मंजूरी नहीं है। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों को छूट दे दी है, मगर पाकिस्तान की मुसीबत अब भी कम नहीं हुई है। बता दें, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों ने चीनी वैक्सीन ही ली है और सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन को उमरा के लिए मानक नहीं माना है। अब सोचिए कि जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने चाइना की वैक्सीन ले रखी है और सऊदी अरब के राह कि अगर आपको उमरा यात्रा करनी है तो आपको चीनी वैक्सीन नहीं लगवाना है। अब जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन लगवा ली है और वो लोग अब उमरा यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल कोरोना महामारी के चलते करीब 1.5 साल से इस उमरा यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 9 अगस्त के बाद उमरा करने के इच्छुक विदेशी नागरिक फिर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि उनका कोविड वैक्सीनेशन हो चुका हो। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार ये संख्या 60,000 यात्री प्रतिमाह से बढ़कर 20,00,000 यात्री प्रतिमाह पहुंच सकती है। उधर मक्का और मदीना और की मस्जिदों में कोरोना से बचाव के लिए भरपूर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म लगवाई है उन्हें सऊदी की मान्यता प्राप्त 4 वैक्सीनों में से किसी एक की बूस्टर डोज लेनी होगी, तभी जाकर उन्हें उमरा यात्रा की अनुमति मिलेगी। सऊदी में आने वाले सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रवेश की अनुमति मिलेगी जो वैध टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ मान्यता प्राप्त वैक्सीन की दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। बता दें कि सऊदी अरब ने अब तक ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मान्यता दी है। इनमें से जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज वाली है। यानी कि पूरा का पूरा मामला जो हमने आपको दिखा दिया। अब आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहें ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।